हेलो अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल इज़ आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिसोर्स ऑडिट सो एज डि इन अर्लियर वीडियोज एज वेल कोई भी एक बिजनेस होता है तो एक बिजनेस एंडवामेंट में काम करता है बिजनेस एनवायमेंट दो टाइप के हो जाते हैं एक हो जाते हैं आपका इंटरनल बिजनेस एंडवामेंट एक होता है एक्सटर्नल बिजनेस एंडवामेंट एक्सटर्नल बिजनेस एंडवामेंट के बारे में पूरा डिटेल वीडियोस में ऑलरेडी अवेलेबल है साथ ही साथ आपका जो टेक्निक्स होता है बिजनेस एनालिसिस करने का एक्सटर्नल बिजनेस एंडवायरमेंट का वो भी दिया हुआ है नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिसोर्स ऑडिट विच इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग एनवायरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ इंटरनल बिजनेस एनवायरमेंट इंटरनल बिजनेस एनवायरमेंट हो गया आपके इंप्लॉयीज़ एम्प्लॉयर्स आपके फिजिकल एसेट्स फाइनेंशियल एसेट्स क्या क्या आपके पास है क्या क्या रिसोर्स आपके पास है अब इकोनॉमिक टर्म्स में हम लोग अगर बात करें तो रिसोर्स आर द ऑल गुड्स एंड सर्विसज आर यूज टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज राइट और ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है ऑडिटिंग का मतलब पूरा अच्छे से एक एक करके सारा हिसाब देखना कि कहाँ क्या चीज़ क्या है मेरे पास राइट right? तो रिसोर्स ऑडिट रिव्यूज सॉरी रिसोर्स ऑडिट रिव्यूज द रिसोस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ एसेसिंग द इनहेरेंस स्ट्रेंथ ऑफ दोज रिसोर्स कि वो एक ऑडिटिंग कर रहे हैं किस चीज़ की जितनी भी रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के पास आज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके पास क्या क्या रिसोर्स है ताकि हम अगर देखिए क्या है ना कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ने की सोच रहा है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने की सोच रहा है या डाइवर्सिफाई करने की सोच रहा है तो अगर आज हम डाइवर्सिफाई करने की सोचेंगे तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम अच्छा एक्सटर्नल इन्वामेंट में आपको डाइवर्सिफिकेशन का बहुत स्कोप uh, दिख रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन हमें यह भी तो अच्छे से पता होना चाहिए कि वेयर डू वी स्टैंड आखिरकार हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है जो हमारी स्ट्रेंथ बन सकते हैं एक तो आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज होते हैं जिसमें आप बहुत बढ़िया होते हैं जो आपकी जो आपको एक कॉम्पिटेटिव एड प्रोवाइड करता है उसके अलावा व्हाट आर द रिसोर्स वॉट आर द थिंग्स विच आर अवेलेबल टू वन सेल्फ टू एन ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो उनका स्ट्रेंथ बन सके अब ये रिसोर्सिस क्या होते हैं ये रिसोर्स हो गए इट इंक्लूड्स फिजिकल फाइनेंशियल ह्यूमन एंड इन एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अ रिसोर्स इज एन एसेट कॉम्पिटेंसी प्रोसेस स्किल और नॉलेज कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इट कैन बी अ पॉजिटिव स्ट्रेंथ इफ कॉम्पिटिटर्स डू नॉट पोजेस इट और नेगेटिव लेसर स्ट्रेंथ दैन कॉम्पिटिटर्स तो रिसोर्सेज सिर्फ आपके फिजिकल एसेट्स नहीं है ये आपकी क्या कॉम्पिटेंसीज हैं क्या प्रोसेस हैं बिकॉज यू सी वेन यू वी टॉक अबाउट एसिड्स दे आर टू एसेट्स एक टैजबल एसेट्स हो जाएगा एक इन टैजेबल एसिड्स हो जाएगा टैजेबल एसेट्स वो एसेट्स हो गए जिसे आप छू सकते हैं जैसे आपका फिजिकल रिसोर्स हो गया लैंड मशीन मनी एक्सेट्रा इन टैजल एसिड्स जैसे आपका ब्रांड नेम आपका गुडविल कि आपके किसके आपके कस्टमर लॉयल्टी ये सब आपके जो हो गए वो आपके इन टैजबल रिसोर्सेज हो गए तो अगर आपके पास जो रिसोर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स के पास वैसे रिसोर्स अवेलेबल नहीं हैं तब तो आपका बहुत अच्छा है दर्गनाइज योर ऑर्गनाइजेज ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू गो बाउंड एंड लीव्स अपना बढ़ता चला जाएगा लेकिन अगर कॉम्पिटिटर्स के पास आपके से ज़्यादा रिसोर्स हैं तो फिर दिक्कत है तो फिर वो लोग आगे निकल जाएंगे ना वॉट आर द वेरियस फिजिकल रिसोर्स जिसका ऑडिटिंग करना है द फिज़िकल रिसोर्स इंक्लूड प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग वहीकल्स स्टॉक एक्सेट्रा दर नंबर्स एंड बुक वैल्यूज आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज देर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स आर देर फो एंड असेसमेंट इज मेड इन टर्म्स ऑफ द ऑफ द पोटेंशियल बेनिफिट्स बाई एग्जामिनिंग देयर एज कंडीशन लोकेशन केपेबिलिटीज एक्सेट्रा तो एज इज़ क्लियर इन दिस पैराग्राफ आपके फ़िज़िकल जो रिसोर्स हो गया आपके सारे रैन मशीनरी बिल्डिंग्स व्हीकल्स ये सारा चीज़ आपका सब चीज़ आपका फ़िज़िकल रिसोर्स हो गया अब ऐसा नहीं है कि जब फ़िज़िकल रिसोर्स का आप ऑडिट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे हमारे पास फलानी फलानी मशीनरी है हमारे पास फलाना बुक है फलाना व्हीकल है ये स्टॉक है सिर्फ वो ही नहीं अगर हम मशीनरी के बारे में लिखेंगे तो हम ये भी लिखेंगे किस ईयर की मशीनरी है क्या अभी उसका क्या कैपेसिटी है किस हिसाब से वो काम कर रहा है अगर उसके पास मेरे पास व्हीकल है कौन सा व्हीकल है कौन सा कंपनी का व्हीकल है क्या माइलेज दे रहा है कैसे काम कर रहा है कितना काम किया हुआ है एवरी थिंग इन डिटेल दैट इज़ वॉट इज्ज ऑडिटिंग नो इन डिटेल वो फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में बताना है Financial resources, it includes the cash, bank debtors, marketable securities, etc. In assessing the financial resources, the various resources of various sources of finance like equity shares, debentures, retained earnings, long-term and short-term loans are considered. Their cost of capital availability and the effect on the overall liquidity and solvency of the firm is examined. So the financial resource ka bhi same. Hai. या आपके इस कैश के बारे में आपके पास कितने हैं? आपके पास डेप्टर्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या क्या है वो सारी बताते हैं और ये भी साथ में बताता है कि कितने शेयर्स हैं कितने डिबेंचर्स हैं क्या आपका लॉन्ग टर्म अर्निंग्स है क्या लॉन्ग टर्म लोन्स है और उसको अगर, अगर आप लिक्विडिफाई करते हैं या उसको हटा उसको लिक्विडाई करते हैं तो आपका क्या अफेक्ट पड़ता है कितने पैसे आपके पास बनते हैं नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्स दैट वन हैज़ टू ऑडिट इज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज Human resources are the most valuable assets of the organization, स्पेशली in the present business scenario, where we find people competing than corporations. अभी देखिए क्या हो गया है ना कि एक ज़माना था कि जब वहाँ पे जैसा बोला जब वो एकदम एक्सट्रीम गरीबी वाली हालत थी तो वर्कर्स को जैसे पैसे मिलते थे वो लोग सारे काम करते थे ये कॉन्सेप्ट वर्कर्स से बढ़ के पर्सनल मैनेजमेंट में आया दैट इज़ पी आर एस ओ डबल एन ई एल पर्सनल मैनेजमेंट ये पर्सनल मैनेजमेंट में भी वर्कर्स का कॉन्सेप्ट था उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आया एच ह्यूमन रिसोर्स का जहाँ ह्यूमन को रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाता है कि जिस तरह से फाइनेंस और फिजिकल एस्पेक्ट्स वो सब रिसोर्सेज ज़रूरी हैं उसी तरह से ह्यूमन एस्पेक्ट्स भी बहुत ज़रूरी हैं ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत ज़रूरी है और अभी के समय में राइट नाउ द ह्यूमन रिसोर्स आर द ह्यूमन कैपिटल दे आर लाइक अ इन्वेस्टमेंट कि किस तरीके से हम ह्यूमन कैपिटल को यूज करने करते जा रहे हैं सबसे पहले जो था टॉप मैनेजमेंट ग्रांड स्ट्रेटर्जिस्ट थे जूनियर मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेटर्स थे मिडल मैनेजमेंट काम करते थे लेकिन अभी ट्रेंड पूरा चेंज हो गया है टॉप मैनेजमेंट आर क्रिएटर्स ऑफ द विजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपेक्ट अदर्स रूड डिलीवर राइट सो वील बी स्टार्ट दिस लेटर ऑन कि जितनी स्ट्रैटेजी बनती है उनको तो टॉप लेवल मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बना दी चलो बढ़िया है बट इम्प्लीमेंट किस को करना है इम्प्लीमेंट तो मिडिल लेवल मैनेजर को करना है कोऑर्डिनेट करना है इंप्लीमेंट तो लोअर लेवल मैनेजर मैनेजर को करना है तो क्या है ना कि मिडिल लेवल मैनेजर जब तक ये कन्विंस नहीं होता है कि वॉट एवर हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इज फॉर देर ओन गुड दे आर नॉट हैप्पी इनफ दे वोंट बी एबल टू इम्प्लीमेंटेड राइट वो करेंगे काम जरूर जो उनके सीनियर्स उनको कह रहे हैं लेकिन उस लगन से नहीं कर पाएंगे राइट right? so the emphasis therefore today has shifted from strategy structure and systems model towards to purpose model and people model ki aap dekho kya purpose hai and who are the people who are doing it to implement the second model you must have a lot of faith in your people right apne resources mein aapko proper bharosa hona now the, uh, sumantra goshal remarks therefore the human resource audit

क्या नॉलेज है क्या उनकी नॉलेज केपेबिलिटीज़ है क्या उनकी लर्निंग स्किल्स है कितने साल से आपके यहाँ काम कर हैं कितने लॉयल हैं अपने काम को लेके कितने कमिटेड हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके कितने कमिटेड हैं इसको एक्सेस करना और जब ये सारी चीज़ें एक्सेस कर कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके पास अभी उनके पास रिसोर्सेज़ क्या है और क्या उनका एक्चुअल स्ट्रेंथ है now, as i said, there are two types of assets, tangible and intangible assets. intangible assets, kya kyaute, ki aapka you know, abhi as is given in this paragraph, it is in the contemporary business world, business organizations stress on building intangible assets such as brand, customer, customer relationship, intellectual property, etc. why so? earlier capital, technology, etc., are scarce and are difficult to obtain. therefore, they are considered as competitive advantage. now they are available as tradable. something uh, or something is of competitive advantage is to be hence created. it should be not openly available, not easily leverageable across businesses and not easily substitutable. तो जैसे इसमें कहा गया है कि एक जमाना था जब आपका जो technology, capital इत्यादि था वो बहुत आराम से नहीं मिलता था. तो जिनके पास भी technology है, पैसे हैं, capital है उनको वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता था कि वो दूसरे अपने कंपटीशन से आ गए बट अभी का क्या है अभी तो ये टेक्नोलॉजी हर एक के पास अवेलेबल है पैसे तो ऑलमोस्ट आपके पास अवेलेबल होता ही होता है तो वो क्या चीज़ आप करें जो आपको आपके कंपटीशन से आगे बढ़ाए आपको अपने कंपटीशन से बेहतर बनाए ठीक है so it should not be openly available is like uh, right we've done this intangible assets meet all the three requirements for example employee commitment or relationships are difficult to imitate कि आपका जो इमिटेट का आपको मतलब होता है कॉपी करना तो जो आप टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं आपके कॉम्पिटेटर्स कॉपी कर सकते हैं जो आप वर्किंग कैपिटल यूज़ कर सकते हैं वो आपके कॉम्पिटेटर्स कैप जो आप टेक्नोलॉजी जिस तरह से आप काम कर रहे हैं जो प्रोसीजर्स आपके हैं वो भी आपके कॉम्पिटिटर्स इमिटेट uh, कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं लेकिन वो जो एक लॉयल्टी बन जाती है आपके कस्टमर के साथ वो जो एक आपके एम्प्लॉय का जो कर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो कमिटमेंट बन जाता है वो तो कोई और कॉपी नहीं कर सकता कोशिश ही कर सकता है कि उस तरीक़े से लॉयल्टी हो लेकिन अगर ये चीज़ आपका आपका है तो ये आपका एक स्ट्रेंथ बन जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ बन जाता है लुक एट द टेंजल एसेट्स लाइक मशीनरी इन ए फैक्ट्री इफ इफ कंपनी हैज़ रिक्वायर्ड कैपिटल इट कैन बाय लुक एट द मनी विच वॉज कंसिडर्ड एज कॉम्पटेटिव एडवांटेज इज़ नाउजली अवेलेबल एट इनएक्सपेंसिव एक्सपेंसिव रेट फ्राम एनीवेयर ऑन द ग्लोब

जितने भी आपके इन टेंजिबल एसिड्स हैं कोई दूसरे कोई दूसरा उस तरीके से उसको कॉपी नहीं कर सकता है वो कोशिश ये कर सकता है कि हम कुछ करें कि मेरा एम्प्लॉय भी ऐसी मेरे लिए कमिटेड हो बट द काइंड ऑफ थिंग दैट यू हैव बिल्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज वाई कंपनीज लाइक रिलायंस बी पी एल क्रेप्स एक्सेट्रा आर रिपोर्टिंग अबाउट द इन एसेट्स

लेटेस्ट एन एग्जांपल से अबाउट जोमेटो अगर हम लोग जोमैटो का एग्जांपल लेते हैं राइट right, तो जोमैटो ने अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है जो दूसरे कॉपी नहीं कर सकते ट्राई कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपकी आई प्रॉपर्टी जो उनका ट्रेडमार्क वगैरह है वो उनका रहता है जो डेटा बेस्ड सॉफ्टवेयर पता नहीं वो उन्होंने कैसे सारे कंपनी से दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सेलेबस लेकिन उन्होंने सारे रेस्टोरेंट वगैरह से टाइप करके रखा हुआ है सारे जितने भी रिसेंट मूज रेस्टोरेंट एंड जो भी खुलता है जो पुराना है जो नया है सारा रेस्टोरेंट एंड एनी टाइम यू ऑर्डर दे डिलीवर यू ऑन टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ठीक है क्या उनका कंटेंट है इफ़ यू इफ़ यू हैव ऑर्डर जोमेटो नो अभी क्या होता है आपका नोटिफिकेशंस आता रहता है और uh, नोटिफिकेशंस आता रहता है एंड दे आर सम वेरी हिलेरियस नोटिफिकेशन बहुत मज़ेदार नोटिफिकेशन रहता है जैसे आई यू हंगरी ऑर्डर समथिंग या मतलब ये क्या किया ये, ये क्या कर दिया समथिंग समथिंग लाइक दैट इट्स वेरी फनी एट टाइम्स इवन आई हैव पुट इट ऑन माई व्हाट्सएप स्टेटस वंस और आई हैव सीन लॉट्स ऑफ यंग गर्ल्स दे हैव नो वो उसको क्रॉप करके उसका जो स्टेटस आता रहता है जो जोमेटो का उसको क्रॉप करके वो अपने स्टेटस पर लगाते हैं वो बहुत हिलरियस सा रहता है लेकिन क्या होता है ना क्योंकि इतनी बार देख लिया और एक जब भी हम खोलते हैं तो होता है कि अच्छा ये इसका क्या रहेगा ठीक है तो सर कंटेंट बहुत स्ट्रॉग रहता है क्या चीज़ उसमें लिखा हुआ है डिस्टिंग कॉम्पिटेंसीज़ आपका नॉलेज मैनेजमेंट कैसा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसा हो रहा है टैलेंट मैनेजमेंट कैसा हो रहा है मार्केटिंग कैसी हो रही है इनोवेशन सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स नाउ व्हाट इज़ इनोवेशन इनोवेशन इसी एक होता है आपका इन्वेंशन एक होता है इनोवेशन जब भी हमारे दिमाग में कोई नया आइडिया आता है उसे हम क्रिएटिविटी बोलते हैं क्रिएटिविटी कोई भी फालतू आइडिया का नहीं होता है वैन यू टॉक अबाउट साइंटिफिक टर्म्स इट इज़ करेक्ट क्रिएटिविटी ऑफ सम नोवल आइडियाज़ तो इन्वेंशन हो गया आपका एक्सपेरिमेंट्स होके कुछ इन्वेंशन हो गया आपने क्रिएटिव किया अगर इस क्रिएटिविटी और इन्वेंशन को हम कमर्शलाइज कर सकते हैं उसे हम पैसे जनरेट कर सकते हैं हम अपने कस्टमर्स के लिए कुछ वैल्यू जनरेट कर सकते हैं ओनली इन दैट केस इट इज एज इनोवेशन राइट सो ये इनोवेशन जो होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है सप्लाई चेन कैसा चल रहा है लॉजिस्टिक्स कैसे चल रहे हैं स्पेशल रिलेशनशिप गवर्नमेंट कितना एक्सेस कर सकता है आपका बिजनेस टू बिज़नेस का जो वेब है प्लस आपके रिटेल कस्टमर्स कौन कौन है क्या लॉयल्टी है उनका आपके साथ क्या कमिटमेंट है आपके साथ ये सारे इंटेंजिबल एडवांटेजेस हो सकते हैं